नमामि स्वरम सचिदानंदरो मनिंद्र बृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकज निकुंज भोगविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी सीयमा कृपा कटाक्ष भाजना पशो प्रवेश बलरी विकान मंडपस्थिते प्रवाल बाल भूत संपदाल सदा करी कृपा कटाक्ष भाजन आनंद रंग मंगल प्रसंग भंग राघव कवि भ्रमं कथा भ्रमं त्रिगंत बाण पातन निरंतरं वशीकृत प्रदीपि नंदन करी सती रम कृपा कटाक्ष भाजन हरित सुवर्ण सप्तक प्रदीप गौर भेदरे मुख प्रभा परास्त कोटि सार तेंदु विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचनी सदा करी सती रम कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदादि यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते आज काम के लिए को विदे सदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजन अशेष अवभाव धीर तिरहार भूषिते प्रभु तात कुंभको भगो मिको भगो स्तनी प्रकाश मंद आश्रम सुर्ण पूर्ण सौभ सागरे सदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजन मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता जलास लोलनीर लोचनावलोकन मनोज मुग्ध मोहनाशिते सदा करी सती रम कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्णमालि कांचित त्रिरेख कम्बु कंकणे त्रिसूत्र त्रिरत्न दीप्ति दीदिति सलोल नील कुंतल प्रचूर्ण गोच गुंफिते सदा करी सती कृपा कटाक्ष नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणी प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप माच मंजुले करेन्द्र सुंद दंडिता बरो सौभ गौरुते सदा करी सती रम कृपा कटाक्ष भाजन
Thank you.
हरि बोल हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे मथुरा में, दर्शनीय स्थान को हम कथा श्रवण कर रहे थे। आज हम लोग श्रवण करेंगे मथुरा में जो परिक्रमा में गए हुए वो पहला वन है ये मधुवन। कदी ये बार मुख्य वनों में जो सर्वप्रथम वन है उसका नाम मधुवन। कदी इसका नाम मधुवन नाम क्यों पड़ा? कद बहुत सारे कारण से इसका नाम मधुवन पड़ा। पहला नंबर है भगवान कृष्ण एक मधु नाम का दैत्य को उन्होंने पधर किया था, इसलिए भी वो वन का नाम मधुवन। और भगवान का एक नाम मधुसूदन, मधुसूदन मतलब भक्तों का प्रेम रूपी मधुओं को जो आस्वादन करते हैं, इसलिए उनका नाम भी मधुसूदन। कहते मधु, उसका तीसरा कारण क्या है? मधु मतलब होता है मीठा। क्या मीठा है? कहते भगवान की जो भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, सभी मीठा ही मीठा है। इसलिए हमारे श्री वल्लभाचार्य ने एक पूरा अष्टक लिखा है, मधुराष्टक है इसका नाम है। कहते आधरंग मधुरंग बदनंग मधुरंग नायनंग मधुरम असितंग मधुरम गमनंग मधुरम चरितंग मधुरम मधुराधिपते रखिलंग मधुरम मधुराधिपते रखिलंग माधुरम।
इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं भगवान का सब कुछ मीठा ही है। उनका चलना भी मीठा, उनकी बोलना भी मीठा, उनकी देखना भी मीठा, उनकी चरित्र भी मीठा, वो पूरा ही मीठा ही मीठा है। इसलिए उनका नाम मधुसूदन कहते हैं, हैं इसलिए जिनको वेद में बताया रस वैस रसम जवायाम लब्धानंद भवती, भगवान पूर्ण ही रस स्वरूप है। भगवान का सब कुछ मधुर है। विशेष करके भगवान की ब्रज में तीन लीलाएं होती हैं, जो तीन लीला पूरा के पूरा मधुर मधुर मीठा मीठा कहते। तो उनकी एक सख्य रस की लीला और एक उनकी बात्सल रस की लीला और एक उनकी ये मधुर रस की लीला, ये तीन तरह का लीला ब्रज में होता है। असली जो मधु मीठा है भगवान की लीला ही, असली कथा ही असली मीठा है। इसलिए कहते मधुवन में उनकी तीन तरह का लीला हुआ। उनका सख्य रस का लीला, कृष्ण वहीं पर ही सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए वहाँ पर जाते थे, वहीं पर कृष्ण गैया चराया करते थे वहीं पर। इसलिए अभी भी वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम कहते कृष्ण कुंड। कृष्ण जब वहाँ लीला करते थे वो कुंड में चार तरह का कमल का फूल खिलता था, रक्त कमल, नील कमल, लाल कमल और वहाँ पर पीला कमल, श्वेत कमल, ऐसे चार तरह का कमल का फूल खिला रहता था। और सखा लोग उसी कुंड में, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना पेड़ में चढ़ जाते हैं, पानी में छलांग लगाते हैं, जैसे बच्चे लोग स्नान करते हैं वहाँ पर, बच्चे लोग वहीं पर बच्चे लोग स्नान करते थे इसलिए, और गैया को पानी पिलाए करते थे। बोले कैसे पानी पिलाते थे? बोले तिरी तिरी, हाँ उनका जो शब्द था जो गैया चराते, तिरी तिरी मतलब गैया को बोलते हैं तुम लोग धीरे 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 तीर में जाओ। बोले नीरी 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 मतलब नीर मतलब होता पानी, कहते पानी पियो। बोले चू 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 मतलब चू चू करके पानी पिया करो। जैसे गैया चराते हैं जैसे इशारा का द्वारा गैया को जो बोली बोलते हैं, इसलिए ऐसे करते हुए उसी कुंड में गैया को पानी पिलाए करते थे। सखा लोग भी वो कुंड में स्नान करते थे। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते बोले हे पार्वती, अगर ये मधुवन में कोई आए, वो जो कुंड है वो कुंड में अगर कोई स्नान व आचमन करे, बोले हे देवी फिर ये वो व्यक्ति नहीं आता है अगर वो कुंड में कोई एक बार स्नान व आचमन कर ले। इसलिए वहाँ पर कृष्ण सख्य रस की लीला की, कहते वहाँ पर कृष्ण बात्सल रस की भी लीला की है। इसलिए जिसको सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुना मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, अभोरा भयो गई अन को पाचे, मधुबन मो हे पठायो, सुन मैया मोरी मैंने मान खायो, सुन मैया मोरी मैंने मान खायो। श्री सूरदास जी ये भजन में वो मधुबन का लक्ष्य करते हैं। जब गोपियों ने आकर शिकायत किया, बोले मैया लगता है हम तो ये गोकुल छोड़कर और कहीं चले जाएंगे। बोले क्यों, क्या बात है? बोले तेरे लाला रोज रोज मक्खन चोरी करता है, हैं रोज रोज मक्खन। जब बहुत सारी शिकायत आने लग गई, एक दिन कृष्ण ने कहा लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन, तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले क्यों मैया, सारा दुनिया तो शादी के लिए पागल, पढ़ाई क्यों करते हो, घर मकान क्यों बनाते हो, नौकरी चाकरी क्यों करते हो, देखना एक लक्ष्य घर में बहू आ जाए, घर में बहू घर में शादी हो जाए, सब शादी के लिए सारे काम करते हैं, हैं। इसलिए कृष्ण ने देखा दुनिया शादी के लिए पागल होते हैं, शादी के लिए नौकरी चाकरी दुकान मकान सब बहू के लिए शादी के लिए करते हैं। और मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी,
कृष्ण ने पूछा मैया क्यों शादी नहीं होगी, बोले बताओ पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू क्या घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ ये चोर को कोई क्या बेटी देगा, बता, लगता है तू कुंवार का कुंवार रहोगे, तेरे शादी वादी कुछ नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया, मैया कहती तेरी शादी नहीं होगी, हैं इधर गोपियां खड़ी हुई हैं, इधर मैया और इधर कृष्ण खड़े, बीच में कृष्ण खड़े, सब गोपियां मैया को उलाहना दे रहे हैं, तेरे लाला मक्खन चोरी करता है। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं ना, ये मैया को सामने ही जितनी गोपियां मेरे नाम पर शिकायत करती उनको मैं झूठा बना दूंगा। फिर कृष्ण ने ये भजन गाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन कायो, बोले कैसे, बोले भोर भयो गई अन्न को पाचे मधुबन मोय पठायो, भोर होते ही तुमने क्या किया मेरे को गैया चराने के लिए मधुबन तुमने भेजा, बोले चार प्रहर मधुबन भट्ट को सांझ पड़े घर आयो, दिन भर तो गैया चराया मधुबन में, यहाँ पर मधुबन का नाम देते हैं, मधुबन में दिन भर गैया चराया, शाम का आया और रात को बताओ मैंने कहाँ पर था, तेरे गोद में सोया थे कि नहीं, बता तेरे, तूने तो सारा दिन रात भर मेरे को गोद में लेकर तेरे साथ में सोया, अब बता मैंने मक्खन कब चोरी किया, बोला बोलो है। फिर कृष्ण कहते मैं बालक बहन को छोटो, मैं बालक बहन को छोटो, काई बीत के पायो सुन मैया मोरी, मैंने ही मा कन गायो सुन मैया मोरी, मैंने ही मा कन गायो। भैया कहते मक्खन कहाँ रखते, छिके के ऊपर में, मैं तो इतना छोटो सा बालक, बता मेरे हाथ कैसे पहुंचा वहां पर, मैंने मक्खन कैसे चोरी की, बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है, बोले मैया क्या बताऊं, जो सखा लोग इतने दुष्ट खुद तो मक्खन खाते हैं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में लपटायो, जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा कर मेरे को चोर बना देते हैं। कृष्ण कहते मैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक दिया था और तुमने वहां से उठा करके ला करके मेरे को तुम अपना पालन कर रहे हो, क्यों ये गोपियां भी मेरे को चोर बोलते हैं, तुम भी चोर कहती हो, लगता है मेरे तेरे लाला है ही नहीं। इतना बोलते ही मैया का हृदय एकदम पिघल गया है, पानी पानी हो गया। इतने में मैया फिर कन्या को गोद में भर लेती हैं, अरे लाला तेने मक्खन नहीं चुराया, तुमने मक्खन नहीं चुराया जो बोले ना, फिर कृष्ण पद को फिर घुमा देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, फिर घुमा देते, बोले मैया मैंने ही मक्खन खाया मैंने। इसलिए वहां पर श्री सूरदास जी वहां पर लिखते हैं कृष्ण के मधुबन में कृष्ण गैया चराया करते थे, इसलिए वहां पर बात्सल रस की वहां पर हुई और वहां पर श्री श्रृंगार रस का भी लीला भगवान ने किया है, राधा रानी को साथ में कृष्ण जब सखाओं को साथ में वहीं गैया चराया करते थे, राधा रानी सखियां अपना घर में बैठी बैठ करके अपना दिव्य नेत्र से कृष्ण कैसे गैया चराते हैं, कृष्ण कितने सुंदर है। राधा रानी कहती हैं बले बराह पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिप्रत बास कनक कपिसयम वैजयन्ति च मालां रंध्रायण वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। राधा रानी कृष्ण कितने सुंदर है, कैसे उनके सर के ऊपर में कृष्ण मयूर पंख धारण किए हैं, कृष्ण मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, बोले कारण है उसमें से राधा रानी का नाम लिखा हुआ, और जो मयूर मयूर ये ब्रह्मचारी, और एक दिन कृष्ण बंसी बजाए तो
कृष्ण का रंग कैसे हैं, काले रंग श्याम पीताम्बर जिसे बिजली चमकती है, जो बंसरी बजा रहे थे मन घड़गड़ घड़गड़ घड़ शब्द हो रहा था। मोर कब नृत्य करता है, जब आकाश में मेघ छा जाए। मोर तो सुंदर नृत्य करना शुरू कर दिया। अभी मयूर खुश हो गया, सोचा कि कृष्ण को कुछ उपहार देनी चाहिए, मेरे पास में क्या बोले पंख के सिवाय कुछ है ही नहीं। उन्होंने पंख को झाड़ दिया तो एक पंख गिरा, प्रेम का उपहार है। इतने में कृष्ण उठाए और अपना सर पर लगा ली है। इसलिए उसका चौथा कारण बताते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर। आप देखना मयूर पंख देखे हो, कौन कौन देखे हो, सब देखे हो। आप देखना मयूर पंख में इंद्रधनुष जैसे इंद्रधनुष होता है ना, कहते ये इंद्रधनुष कब होता है, जब जब बारिश हो, रिमझिम बारिश हो, एक तरफ में सूर्य है और यहाँ रिमझिम बारिश होता है ना, दूसरे तरफ में ये इंद्रधनुष दूसरे तरफ में पड़ता है। इसलिए कृष्ण का जो केस केस एकदम काले मेघ जैसे कृष्ण का रंग, और यहाँ पर मयूर पंख है, इसलिए मयूर पंख में इंद्रधनुष माना पड़ा हुआ। एक तरफ में मेघ छाया हुआ है और दूसरे तरफ में जैसे इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष बड़े तो बड़ा सुंदर लगता है ना, इसलिए उसी तरह यहाँ पर बड़े सुंदर कृष्ण लग रहे थे। इसलिए बराहा पीड़म नटवर बपुहु, उनका स्वरूप कैसे हैं, बोले नटवर। नटवर मतलब शंकर जी नटराज और कृष्ण नटवर, बोले नट मतलब शंकर का जो पति है, हाँ शंकर का जो पति कौन है, श्री कृष्णचंद्र। कैसे शंकर जब गोपी बन करके आए थे गोपीश्वर महादेव रूप में, इनका पति तो कृष्ण ही है। इसलिए नटवर बभू और कर्णयो कर्णिकारम, दो कान हैं लेकिन एक कनियरी, क्यों ये अल्हड़पन। दूसरा अर्थ है, हैं कृष्ण जब नंद भवन में रहते हैं, गोपियों को ये नहीं बता सकता आज मैं किधर जाऊँगा, कहाँ कुंज बनेगा, कहाँ मिलन होगी, बोल नहीं सकते हैं। इसलिए कनियरी फूल देखे होंगे ऐसे होता है, कृष्ण जिधर जाते थे ना एक कान में कनियरी ऐसे कर देते, तो गोपियाँ इस तरह पे आ जाना, हम आज इधर जाएंगे। इसलिए बोले कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासम, उनका वसन कैसे हैं, पीला रंग। बोले पीला क्यों, राधा रानी का जो रंग है तप्त कांचन गौरांगी। विव्रतवास मतलब कनक कपिसम वैजयंती च मालाम, गले में वैजयंती माला जो गले से लेकर चरण तक, कभी सात रंग की कभी पांच रंग की, क्योंकि भगवान की बार रस है, मानो सारे भक्तों का अपना हृदय में प्रभु धारण करके रखे हैं। और रंध्रान बेणु, कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी सुंदर सुंदर बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसी क्यों बजाते हैं, बोले उसमें दो गुण हैं, पहला गुण अंदर खाली है, दूसरा गुण कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे बजती हैं। कृष्ण कहते अगर तू ऐसे दो गुण हमारे अंदर में आ जाए ना, बस कृष्ण भी हमें बजाना शुरू कर दे। लेकिन हम भगवान को पास में ऑलरेडी भर करके जाते हैं, भगवान कहते भैया मैं कैसे भरूँ, फिर तू तो पहले भर करके आए हो, इसलिए मेरे पास में हृदय को खाली करके आओ। इसलिए रंध्रान बेणु रधर सुधया पुरयन गोप बृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राभिशस्तत गीत कीर्ति। कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं, भगवान की चरण स्पर्श पा करके वृंदावन अपने आप को धन्य मानती हैं, और सखा लोग बोले जय कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसे जय जयकार। इसलिए वहाँ पर कृष्ण वहीं पर श्रृंगार रस की लीला की, कभी कभी राधा रानी को साथ में कृष्ण वहीं पर खेलते थे। इसलिए ये कहते वहाँ पर चार जू का लीला वहाँ पर हुई, कितना जू, वहां पर सत्यजुग का भी मधुबन में लीला हुई। सत्यजुग का कौन सा लीला, सत्यजुग में वहीं पर पास में ध्रुव टीला है, वहीं पर ध्रुव जी तपस्या 6 महीना तपस्या करके भगवान को वहीं पर संतुष्ट किए थे। वहीं पर ही वो जो बता रहे थे अम्बरीश महाराज जी का था, वहीं पर ही अम्बरीश महाराज का भी लीला है। वहीं पर अम्बरीश महाराज द्वादश युग तो जो एकादशी व्रत किया था, जैसे दुर्वासा ऋषि कैसे आए वहां पर वो लीला हुई है। कहते सत्य युग में भी लीला हुई और त्रेतया युग में भी वहां पर लीला हुई। त्रेतया युग में कल हम सुन रहे थे ना लवणासुर, मधुदत्त का बेटा लवणासुर था, वहीं पर ही शत्रुघ्न ने आकर के लवणासुर को उन्होंने चुनौती मांगी और वहीं पर उन्होंने उनको वध किया था। इसलिए त्रेतया युग का भी लीला हुई। और वहां पर द्वापर युग में तो कृष्ण गैया चराया है ये हैं, और वहां पर एकदम ये कृष्ण कुंड, कौन कौन मधुबन गए हो,
मधुबन कौन कौन गए? हाँ, इसलिए जो नहीं गए सबको ले जाएंगे, हैं, एक बार सबको प्लानिंग करके सब घुमाएंगे। इसलिए उसको कुंड है, ये कुंड को पास में एक बलदेव प्रभु है, हैं, बलदेव प्रभु का रंग वैसे गोरे हैं, लेकिन वहाँ पर देखोगे बलदेव प्रभु काले हैं। ब्रज में कहीं भी बलदेव प्रभु देखोगे ना, अक्सर करके बलदेव प्रभु को काले काले सब जगह में काले देखोगे। बोले काले क्यों बलदेव प्रभु? और इसलिए बलदेव प्रभु काले, जिस समय कृष्ण हैं ब्रज छोड़ करके चले गए और उन्होंने उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी ब्रज में आए और देखा संपूर्ण ब्रज कृष्ण विरह में डूबा हुआ है। सब ब्रज कृष्ण जब ब्रज छोड़ कर गए, कोयल कुहूकती नहीं, मयूर केगा नहीं करते, हैं, गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, पूरा ब्रज एकदम ब्रजवासी घर में मकोड़े जाल बना दिए, कोई भोजन ही नहीं बनाते, कृष्ण विरह में पड़े हुए, मैया तो बेहोश होकर पड़ी हुई। बोले कान्हा नहीं आएगा तो मैं आँख ही नहीं खुलूंगी, और उनके आंखों से ऐसे अश्रु विसर्जन हो रहा था, जा करके वो यमुना नदी में मिल रहा था, सारे कपड़े गिले हुए। ब्रज गोपियाँ तो उद्धव कियारी में जब से कृष्ण गए तब से वहीं पर पड़े हुए हैं, और राधा रानी तो उद्धव कियारी में कमल पुष्प की सज्जा के ऊपर में राधा रानी को लेटा दी गई, और राधा रानी के शरीर में कर्पूर अगुर चंदन की लेप लगाते हैं, लेकिन ऐसे विरह की ज्वाला एक सेकंड में चुरचुर हो जाता है, हैं? इसलिए पूरा ब्रज कृष्ण। इतने में एक दिन कदि श्री बलदेव प्रभु हैं उद्धव जी आए और देख करके गए, बोले मैं जरूर कान्हा को लेकर के आऊँगा, जरूर कान्हा को लेकर के आऊँगा। लेकिन जब जब उद्धव कृष्ण को कहते हैं ये ब्रज तेरे विरह में इतने दुखी तू सोच भी नहीं सकते कन्हा, एक बार जा करके ब्रजवासियों को सांत्वना तो दे, एक बार तो ब्रज में जा। कृष्ण हाँ हूँ करते हैं, थोड़ी रोते भी है लेकिन जाते नहीं, कृष्ण नहीं जाते, उसका बहुत सारे कारण है, कभी सुनेंगे क्यों नहीं जाते। कृष्ण जाते नहीं, इसलिए एक दिन बलदेव प्रभु बोले मैं ही जाता हूँ, ये कान्हा ऐसे ही ढीठ है, हैं, टेढ़े हैं, इसलिए मैं जाता हूँ। एक बार बलदेव प्रभु आए, बलदेव प्रभु आकर के उन्होंने सबको साथ में नृत्य कीर्तन किया, नंदा जसोदा मैया की गोद में बैठे, सबको पास में उन्होंने बैठे, हैं, वहाँ पर कुछ दिन तक ब्रज में रहा, लेकिन रहे कहाँ ब्रज में रहे, लेकिन उन्होंने कृष्ण का चिंता करते 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 करते, कृष्ण चिंतन करते 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 ऐड डूब गए। बलदेव प्रभु जो गोरे से बलदेव प्रभु काला हो गए, इसलिए अक्सर करके जहाँ देखोगे बलदेव आप सफेद नहीं देखोगे, सब काले रंग देखोगे। इसलिए वहाँ पर भी एक बलदेव प्रभु वहाँ पर है, वो बलदेव प्रभु कृष्ण चिंतन में वो काले बने हुए वहाँ पर। इसलिए कहते वहाँ पर द्वापर युग में भी लीला हुई, बोले कलयुग में यहीं पर ही श्री महाप्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु यहीं पर आए थे, और नित्यानंद प्रभु जो मंदिर मंदिर में गए, देखा सारे मंदिर वृंदावन में खाली, नहीं नहीं कहीं कृष्ण नहीं नहीं, बोले सारे मंदिर से कृष्ण कहाँ चले गए। जब उन्होंने कृष्ण को पुकारे, नित्यानंद प्रभु कृष्ण को पुकारे, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले ब्रज का कान्हा अभी नदिया की निमाई बनकर के जन्म हुए हैं, ब्रज की कान्हाई अभी नदिया में निमाई, अभी इसलिए मंदिर खाली दिख रहा है। कृष्ण नवद्वीप में जाकर के श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके प्रकट हुए, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो कहाँ पर चले जाओ, तो नवद्वीप में जाओ, वहीं पर तेरे को कान्हा वहीं पर मिलेंगे। और नित्यानंद प्रभु वहीं पर जब आए, वही तो बलदेव प्रभु कृष्ण को साथ में गैया चराए, वही लीला को स्मरण करते करते वहीं पर नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए, हैं, मेरे कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ, वहीं पर वो बेहोश हो गए थे वहीं पर। और वहाँ पर जितने सब आचार्य है, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निबारक, सारे आचार्य सारे गुरु वर्ग वहाँ पर आए। इसलिए आज का जो परिक्रमा, पहला दिन परिक्रमा आज मधुबन में गया, मधुबन को बाद में फिर वो लोग गए वहीं पर पास में ध्रुव टीला, जहाँ पर ध्रुव जी तपस्या की, उसको पास में थोड़ी दूर में कहते श्री ताल बने हैं, कल तो ताल बन की कथा आप लोग सुन रहे थे, ताल फल खाए होंगे आप लोगों ने, इसलिए कैसे उन्होंने धनुकासुर को वध किया, फिर वध करके उसको पास में
एक कुमुद वन है। ये कुमुद वन में आप लोगों को पता कुमुद फल जानते हो, वन देखे हो, एक कुमुदिन जिसको कहते हैं, जैसे कमल का फूल दिन में खिलता है सूर्य का किरण में, और जो कुमुदिनी जो लिली फूल कुमुदिनी फूल वो रात को चंद्रमा का किरण से ही वो खिलता है, हाँ? इसलिए उसका नाम कुमुद वन, सुंदर सुंदर वो भी नील लाल सफेद हैं, वो भी तरह तरह का फूल पीला रंग की बड़े सुंदर चार तरह का भी वो जैसे कमल जैसे वो पुष्प होता है। जिस कुमुद वन में राधा कृष्ण बड़े सुंदर लीला करते थे, लुक्को चोरी खेलते थे, हैं? आप लोगों ने तो यहाँ तो पानी है नहीं, नदी भी नहीं है, तालाब नहीं, लेकिन जो लोग तालाब नदी में स्नान करते हैं कभी उनका अंदर में कंपटीशन होता है कौन कितने समय तक डूब कर रह सकता है, कंपटीशन करते हैं बच्चे लोग। और कभी कभी कंपटीशन करते हैं, एक 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 व्यक्ति चोर होता है और सबके सब छुपते हैं, हैं? फिर जब कुहू करके आवाज देता है वो जा करके सबको ढूंढता है। कभी कृष्ण चोर बनते हैं, कभी राधा रानी चोर बनती है। जब कृष्ण चोर बनते हैं, कृष्ण को तुम आंख बंद करो और सब राधा रानी जाकर गोपियां जाकर के वो कुमुद पुष्प में छुप जाती है। जब छुप जाती हैं, इतने में एक तरह का कुमुद पुष्प है जो एकदम देखने में पीले रंग की, एकदम पीले रंग की, और राधा रानी क्या करती है उसकी बन में जा करके ना छुप जाती है। कैसे? अपना मुंह को ऐसे ऊंचा कर देती है, और राधा रानी का मुख गोल है और जो कुमुद का पुष्प भी गोल है और उनका रंग पीला, राधा रानी भी पीला, बस ऐसे राधा रानी छुप जाती हैं। कृष्ण ढूंढते ढूंढते कृष्ण उनको प्राप्त नहीं कर पाते, ढूंढ कर पा नहीं पाते कहाँ पर। इतने में कृष्ण कहते हैं, राधे मैं फेल हो गया हूँ, तुम अपने आप प्रकट हो जा। फिर से राधा रानी प्रकट होती है, फिर राधा रानी चोर बनती है, फिर कृष्ण जा करके छुपते हैं वहाँ पर, नील कमल वहाँ पर, नील कुमुदिनी कृष्ण नील, उसको बीच में कृष्ण भी जा करके मुँह को ऐसे ऊंचा करके खड़े हो जाते हैं। अभी राधा रानी ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते उनको मिलता नहीं। फिर राधा रानी कहते हैं, श्याम सुंदर मैं हार गई हूँ, अब कहाँ पर प्रकट हो। फिर वहाँ से राधा रानी फिर वहाँ प्रकट होती हैं, इसलिए उसका नाम कुमुद वन है। और जो ब्रज है, ब्रज में, ब्रज ऐसे के स्थान है, अगर ये 84 ब्रज मंडल कोई परिक्रमा कर लिया ना, पृथ्वी का सारे तीर्थ, पृथ्वी में कितना तीर्थ है? 6 अरब। कितना? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 6 अरब, 6 करोड़ तीर्थ पृथ्वी में। लेकिन जो व्यक्ति ये ब्रज मंडल परिक्रमा कर लेते हैं उनको 600 अरब है, 600 करोड़ उसको तीर्थ भ्रमण करने का फल मिलता है। क्यों? पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ये सब के सब ब्रज में आकर के आश्रय लिया। इसलिए कहते हैं ना, तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के कैली कुंड कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी। वहां पर जहां पर कुमुद वन है वहां पर गंगा सागर है, कहते ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां पर गंगा सागर है। वहां पर जाओगे बड़े सुंदर देखोगे तालाब, देखोगे गंगा सागर, वहीं पर ब्रजवासी लोग स्नान किया था गंगा सागर, वहां पर जाने से गंगा सागर जाने का फल मिलता। गंगा सागर क्या है? जिस समय कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि के अभिशाप से सगर महाराज का 10,000 बच्चे जल करके राख हो गए, इनके वंश में का इनको उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा गंगा को ले आ उद्धार होगा, लेकिन उद्धार कोई भी गंगा को नहीं ला पाए। दिलीप अंशुमान सब कैसे आए लेकिन कोई भी गंगा को संतुष्ट नहीं, लेकिन भगीरथ ने संतुष्ट कर दिया। गंगावली में तो आऊंगी लेकिन मेरे बेग को कौन संभालेगा, और जो पापी लोग आकर के नहाएंगे इसका पाप को कौन लेगा? बोले कोई चिंता मत करो, शंकर जी अपना बेग को शंकर जी जटा में धारण करेंगे, और जैसे पापी लोग नहाएंगे ये मरते जगत में बड़े बड़े संत लोग भी जन्म लेंगे, ये संत लोग जब दर्शन करेंगे बा उसमें स्नान करेंगे सारे पाप तुम्हारी। इसलिए देखो ये सत्य युग में कहां कितने 1000 साल पहले हैं, कहते उनका बच्चे लोग जल करके राख बन गए, यहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं था, कितने 1000 साल को बाद में गंगा आई।
लेकिन ये गंगा इतने पवित्र है, जब गंगा जो गंगा सागर है वहीं पर जब गंगा नदी उसको ऊपर में होते हुए चली गई, यानी कि 10,000 बच्चे सब के सब मुक्त होकर के भगवान का धाम को चले गए। बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए वो जो स्थान है वहाँ जाकर जो व्यक्ति आचमन ग्रहण करेगा उसको गंगा सागर जाने का फल मिलता है इतने। और उसी गंगा सागर में अंतिम समय में श्री कपिली देव भी माता देहूति को सारे तत्व ज्ञान दे करके, हैं, माता जी को सारे तत्व ज्ञान दे करके लास्ट में कहाँ पर गए, गंगा सागर में गए। इसलिए साल में एक बार श्री कपिल मुनि की वहीं पर साल में एक बार दर्शन होता है। और गंगा सागर, इसलिए जो व्यक्ति गंगा सागर नहीं जा पाते हैं इतना दूर, अगर यहाँ पर अगर कोई चला गया तो पास गंगा सागर जाने का फल मिल जाएगा। जाओगे? खोल जाएगा हाथ उठा, आपको सबको ले जाएंगे। ठीक है, आपको एक बार ना उधर जा कर के, आपको ज़्यादा दूर नहीं है, हैं, ये ब्रजमंडल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर होगा तो आप लोगों को जब उधर आसपास में कहीं आओगे, आपको हम गाड़ी करके वहाँ पर ले जाएंगे कुमुद वन, और वहाँ पर श्री गंगा सागर, वहाँ पर अभी भी कपिली मुनि वहीं पर बैठ करके कपिली देव वहीं पर भजन कर रहे हैं, कपिली देव का दर्शन वहाँ पर होता है। इसलिए आज सबके सब ये सब स्थान को आज हमारे परिक्रमा वहाँ पर गया, इसलिए हम लोग भी मन मन में वहाँ पर जब वहाँ पर जाएंगे ना, कहाँ पर, जहाँ पर गए पहले गए मधुबन में, वहाँ पर कृष्ण कुंड से आचमन ले लो मन मन में। फिर जब हम जाएंगे ताल वन में, वहाँ बलभद्र कुंड, दो कुंड वहाँ पर, एक दाऊ भैया का कुंड और एक कृष्ण कन्या का, एक बलभद्र कुंड एक कृष्ण कुंड, दोनों मन कुंड का मन मन में आचमन लो। उसको बाद में कहाँ पर कुमुद वन है और वहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ पर भी सबके सब आचमन लो और घर में वापस चलते हैं। ठीक है, बोले श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की। अभी अभी ये लोग थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे। हाँ हरे कृष्णा, जैसे देखो मैं हूँ ना, शायद होगा तो मैं परसों जाऊँगा, एक बहुत बड़ा परिक्रमा है, मेरे को वहाँ बुलाया गया, मैं परसों जाऊँगा। यहाँ पर आप लोग बस करके ना, हैं, बस करके कब आएंगे सब के सब, बस करके कब आएंगे प्रभु जी? हाँ, जब हम लोग गोवर्धन में होएंगे, हैं, लास्ट में। अब एक काम कर सकते हो, जो इस ये जो साल है ये 20 साल के बाद में ये साल आ रहा है, क्योंकि जो अंतिम जो भीष्म पंचक है, किसके पास में फोन है, बंद करो, इसलिए जो भीष्म पंचक है ये लास्ट में कभी कभी 4 दिन आता है और कभी कभी लास्ट में 5 दिन आता है। ये जो चातुर्मास व्रत, इसका बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत करते हैं उनका बड़ी महत्व है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं फिर कहते हैं कार्तिक महीना एक महीना ये ऊर्जा व्रत राधारण का व्रत कर लो। अगर अगर कोई नहीं कर पाया तो लास्ट का जो 5 दिन होता है उसका विशेष महत्व होता है। अगर 5 दिन अगर कोई निष्ठापूर्वक कर ले उसको 4 महीना का व्रत करने का फल मिलता है। लेकिन ये जो 6 दिन, इस बार 6 दिन में आएगा, जब ये 6 दिन आता है करके 12 साल में, नहीं तो 20 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार 20 साल के बाद में ये 6 दिन, जब ये 6 दिन ही होता है, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को एक बेस कराया जाता है जिसका नाम नागार्जुन बेस है, नागार्जुन बेस। वो बेस इतने भीड़ होते जो सोच नहीं सकते, लेकिन इस बार पुरी में बेस तो होगा, लेकिन अभी मंदिर बंद करके रखे, क्यों, उसमें लोग आते हैं जो सोच भी नहीं सकते। और ये कोरोना की वजह से इस बार वहाँ जगन्नाथ मंदिर को खोल नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर में ठाकुर का बेस होगा। लेकिन ये जो साल है विशेष साल है, इसलिए हो सके तो आप लोग कोशिश करना जो लास्ट का जो 5 दिन में कोई एक दिन अगर आ सकते हो 5 दिन में, कोशिश करना, भीष्म पंचकम विशेष महत्व है, उसमें अगर एक दिन अगर वहाँ पर आ जाएंगे आप लोग, फिर एक दिन रात को चलना जाकर गिरिराज की परिक्रमा लगा लेना, और फिर वहाँ पर बरसाना में जाकर बरसाना को भी दर्शन कर लेना, राधा रानी को, गिरिराज गोवर्धन को, अगर ज़्यादा समय होगा तो अब नंदगांव भी दर्शन करके वापस आ सकते हो, तो अगर समय हो तो, हैं, समय हो तो। वहाँ पर तो लोग महीना महीना से आकर बास कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में तो इतना समय है ही नहीं,
अगर दो अगर 5-6 दिन अगर निकाल सकते हो, आ सकते हो, लास्ट में आ जाओ गिरिराज, हमारे दीदी जा रहे हैं, ये दीदी जा रहे लास्ट 10 दिन परिक्रमा के लिए, पंडित भी जा रहे हैं, इसलिए जिनको टाइम होगा आकर के वहाँ पर आकर निवास कर सकते हो, कम से कम 5-6 दिन वहाँ पर वास करो और वहाँ का आनंद लो। और आप लोग बस की आप लोग देखना, बस पहले जितने लोग उनका नाम ले लेना, सबके सब कितना लोग होंगे उसी हिसाब से बस कर लीजिएगा। और हो सकता हाँ, हमारे जनार्दन प्रभु की इच्छा है ये बड़ौत से अलग अलग स्थान से यहाँ से लोग वृंदावन जाते हैं, कहीं नंदगांव जाते हैं, कहीं गोवर्धन जाते हैं, कहीं वृंदावन जाते हैं। ये बोल रहे थे अगर हम मंदिर से अगर यहाँ से व्यवस्था करें, हैं लाभ की जरूरत नहीं, जितना पैसा केवल खर्चा होगा उनको, कम से कम पैसा, हम तो बिजनेस के लिए नहीं करेंगे, हम करेंगे लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए हैं। हम अगर कम से कम पैसा, जितना केवल खर्चा होता है उतना पैसा रख करके लोगों को यहाँ से हर महीना अगर हम लोग, वो बोल रहे थे अगर वृंदावन गोवर्धन नंदगांव ले जाए क्या होगा, जो लोग जाएंगे वो धीरे 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 वो जुड़ते रहेंगे मंदिर में, हैं वो जुड़ते रहेंगे। इसलिए इनकी व्यवस्था और हमारे यहाँ पर जो प्रेमचंद मित्तल और जितने भक्त लोग हैं सब बैठ करके आप लोग मीटिंग करना, ठीक है, सब मीटिंग करके हमारे नवीन प्रभु आने पर सब आपस में सब चर्चा करना, और आपका जो परिचित लोग हैं उनको बोलना हम कम से कम और आपको ब्रजमंडल परिक्रमा कराएंगे, दर्शन कराएंगे और यहाँ पर आएंगे तो धीरे 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 लोग भक्ति में भी, लोग धीरे धीरे भक्ति में भी जुड़ते रहेंगे भक्ति में, ठीक है। आप लोग बाद में आपस में बैठ करके ये विषय को आप लोग अच्छे तरह से डिस्कशन कर लेना, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ी थोड़ी कथा सुनेंगे, हैं थोड़ी थोड़ी कथा सुनेंगे, ध्रुव जी की कथा तुम सुनाओगे, ज़्यादा समय नहीं, 5-5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में, हाँ 10-10 तीनों 10-10 मिनट, तो तुम ये तुम्हारे जनार्दन सुना दो, क्या क्या सुनाओ, किस विषय पर आ जाओ। हाँ हाँ बलदेव प्रभुदेव काली जी किसी कथा थी बता विषय कहो, हैं इसलिए आप लोग आपस आपस में है रोज 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 10 मिनट 10 मिनट सब नवीन प्रभु कल से आ जाएंगे, आ जाने पर सब मिल करके सब कथा करना, ठीक है। बोले श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी देखा है जब कोई राजा आने वाले होता है, या चलो मान लो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आ रहे, जब मुख्यमंत्री आते हैं या प्रधानमंत्री कोई भी बड़े बड़े व्यक्तित्व पर प्रतिष्ठित लोग कोई आते हैं तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है, और उसमें पहले क्या होता है ना, पहले दुकानें बंद कर दिए जाते हैं, रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, जितने भी सिग्नल हटा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं उनके लिए कोई सिग्नल नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं सारे जितने सेवक लोग हैं वे सब आकर के क्या कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, सब बढ़िया चकाचक कर देते हैं ताकि उनको कोई बाधा विपत्ति ना आए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय आप देखे होंगे पहले जगन्नाथ जी नहीं आते, पहले कौन आते हैं, बलदेव प्रभु आते हैं। बलदेव प्रभु इसलिए आते हैं क्योंकि अब मेरा भैया है, और इसीलिए मैं क्या करूंगा, उससे सबसे पहले मैंने सब जितने भी यहाँ पे कोई व्यवस्था अगर गलत कुछ हो रहा हो उसको मैं सही कर दूंगा, इसीलिए सेवक आई किया जाता है बड़ा बन करके भी छोटा बन करके भी। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं प्रभु वैकुंठ से, बोलो वृंदावन से, तब इस भौम जगत में राम कृष्ण जगन्नाथ जी के निमाई निदायक के रूप में आते हैं, तब होता क्या है कि सबसे पहले जैसे राम जी आए, अब लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई बने, जब छोटे भाई बने तो बार बार उनके ऊपर
छोटे भाई होने के कारण राम जी का आदेश पालन करना पड़ा। जब मैया सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए लक्ष्मण जी को आदेश दिया रामचंद्र जी ने, तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अब मेरे को तो पालन करना पड़ेगा, क्यों? बड़ा भाई पिता के समान होता है और पिता की आज्ञा, वो कहते हैं ना शास्त्र में आता है, पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पितरी परमं तप, पितरी प्रतिमा बनने प्रियंत सर्वदेवता। तो पिता का आदेश पालन करना अनिवार्य है, अतः इस कारण से उन्होंने क्या किया, उनकी वो आज्ञा को पालन किया। और कितना दुख होता होगा उनको उस समय कि अपने माँ के लिए वो चिता तैयार करते हैं। दूसरी बात है, जब वन गमन के समय आया तो इस लक्ष्मी स्वरूप सीता को खुद ही लक्ष्मण को आदेश दिया रामचंद्र जी ने कि तुम लेकर के सीता को वन में छोड़ा। तो एक माँ को अपने बाप से अलग करके कौन ऐसा बेटा हो सकता है जो इतना पत्थर दिल वाला हो, उसको लेकर के उनको लेकर के जा करके वन में छोड़ करके आए। तो इस कारण हेतु उन्होंने देखा कि अगर मैं छोटा बन करके आता हूँ तो सेवक ठीक से नहीं कर पाता हूँ, अगर बड़ा बन करके आऊंगा तो मैं अगर कोई आदेश दूंगा तो वो यथास्वरूप पालन करेगा, और क्योंकि मेरे को पता होगा उसका कल्याण किसमें है, मैं उसको कल्याण की बातें बताऊंगा तो वो पालन करेगा। इसीलिए वो कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु दाव भैया बन करके आए, सारे एक एक बात को माना, तभी बलदेव प्रभु ने देखा कि अब मेरा जो सेवकाई धर्म है वो सार्थक हुआ। इसलिए छत्र, पादुका, व्यंजन, चावल, आसन और भी जैसे सृष्टि परक लीला में ये कारण दोषाई, गर्भ दोषाई, क्षीराब्धि दोषाई होकर के सृष्टि के कार्य को करते हैं, और जब भगवान लीला करते हैं तो लीला परक अवस्था में बलदेव प्रभु दाऊ भैया बन करके कन्हैया को विशेष सख्य और वात्सल्य रस के आस्वादन कराते हैं। तो यहाँ से देखना चाहिए बलदेव प्रभु किस प्रकार कृष्ण की सेवकाई करते हैं। इसलिए बलदेव जो है अभी जगन्नाथपुरी में, ये बलदेव प्रभु है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब काशी मिश्र के घर से आते थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए महाप्रभु, तो महाप्रभु बलदेव प्रभु को देखकर के उनकी हृदय में, यदि भी नित्यानंद प्रभु उनके साथ में है परंतु फिर भी जगन्नाथ और बलदेव को देख करके महाप्रभु प्रेमाविष्ट इसलिए होते थे क्योंकि उनको सारे कृष्ण की लीला, जो कृष्ण लीला में उन्होंने जो जो किया था वो सब उनको आज याद आता है। बलदेव प्रभु को पकड़ने के लिए महाप्रभु दौड़ते हैं, पंडित लोग रोक देते हैं और बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी के विरह में वो अपना शरीर और माथा पटकते हैं। तो विशेष प्रेम जगन्नाथ जी भी बलदेव प्रभु को करते हैं और बलदेव प्रभु भी किनको करते हैं, और गुरु जी भी बता रहे थे ना, जैसे राधा रानी एक दूसरे की, ठाकुर जी का वसन कैसा है, कहते पीत वसन मतलब पीला, क्यों? क्योंकि राधा रानी का स्वरूप कैसे तप्त कांचन, ऐसे ही जब ठाकुर जी भी देखते हैं कि राधा जी देखते हैं कि ठाकुर जी का रंग कैसे नीला, इसीलिए नील वसना गौरी रूपे गुण धन्य, वो भी ऐसे ही उनके अंग कांति को अपने परिधान करते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि ऐसे ही ठाकुर जी भी जब देखते हैं, मेरा भाई भी मेरे चिंता में, मेरे ध्यान में, मेरे अंदर रमण करता हुआ उसका जो वर्ण भी कैसा हो गया है, काला हो गया है, तो ठाकुर जी भी क्या करते हैं, बलदेव प्रभु की कई कई लीलाओं को ठाकुर जी भी करते हैं। तो इसमें जो दूसरे दूसरे संप्रदाय के ग्रंथ में हमने ऐसा सुना है कि उसमें भी बलदेव प्रभु ठाकुर जी भी बलदेव प्रभु की शुक्लाम पर वेश में आकर के उसमें ब्रज में लाइब्रेरी है उसमें दिखाया जाते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण और जो बलदेव प्रभु है सब चित्त आनंदमय होकर के ये एक ही तत्व और आनंद स्वरूप और सत्ता स्वरूप होकर के भगवान की विराजमान है। इसलिए बलदेव और कृष्ण निमाई निताई राम लक्ष्मण ये सब अभिन्न तत्व है, एक तत्व है, गौरव प्रेमानंद। ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन
मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म पूज्य पाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी गुरुदेव को बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाशी नारायण गोस्वामी महाराज जी को बार बार चरण वंदन करता हूँ। उस उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कल तक हमने श्रवण कर लिया था श्री अम्बरीश जी का चरित्र। तो अम्बरीश जी के चरित्र में हम पहुंच गए थे कि दुर्वासा जी जो है वो चल रहे हैं श्री अम्बरीश जी की परीक्षा लेने। देखो यहाँ परीक्षा, अच्छा एक बात बताइए, क्या दुर्वासा जी का तत्व को हम नहीं जानते? दुर्वासा जी कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं शंकर जी के ही अवतार है दुर्वासा जी। और दूसरी बात, परम सती भगवती अनुसूया के ये पुत्र हैं। दत्तात्रेय जी और ये दत्तात्रेय जी तो स्वयं नारायण के अंश हैं और ये स्वयं शंकर जी के अंश हैं। तो क्या ये नहीं जानते, एक संत की महिमा नहीं जानते? लेकिन अम्बरीश जी का चरित्र, अम्बरीश जी की महिमा जगत में प्रकाशित हो जाए, अम्बरीश जी की महिमा जगत में प्रकाशित हो जाए, केवल और केवल इसी कारण से ये चले हैं। अम्बरीश जी के लिए, ये अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। भक्ति परीक्षा की ले आशा, उग्र तपस्वी ऋषि दुर्वासा पहुंचे अम्बरीश के पास। पहुंच गए अम्बरीश जी के पास। और अम्बरीश जी के पास पहुंच करके फिर अम्बरीश जी ने क्या किया? अर्घ पात्र के सहित नृपति ने दिया उचित सम्मान। हाँ, अर्घ पात्र के सहित नृपति ने दिया उचित सम्मान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। चल दिए अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी ने स्वागत किया, आइए भगवान, धन्य हुई मेरा यह महल जो है वह आपके आगमन से पावन हो गया। यद्यपि अम्बरीश जी वहां टीले, जो अम्बरीश टीला जो महाराज जी ने बताया है हमारे ब्रज में, वहां पे भी एक आशीर्वाद का पालन कर रहे थे। मैं कृतार्थ हुआ भगवान, आप पधारिए। और प्रार्थना करी है अम्बरीश जी से, कहा अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी है दुर्वासा जी से कि आज एकादशी का दिव्य दिवस है और कल पारायण है द्वादशी का, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप पारायण जो है यही कीजिए, प्रसाद आरोगिए और उसके बाद जो है आप यथाउचित उनको सम्मान प्रदान किया है। अम्बरीश फिर दुर्वासा जी मुस्कुराए, चलो ठीक है, अम्बरीश ऐसे कह रहे हैं तो ठीक है, मैं परीक्षा लूंगा। फिर क्या, उसके बाद द्वादशी आई। अगले दिन जब द्वादशी आ गई तो महाराज जी, उस दिन द्वादशी दो दंड की थी केवल, थोड़े ही अल्प समय की ही द्वादशी थी। तो कहा अम्बरीश जी ने कि भगवान आज द्वादशी दो दिन दो ही दंड की है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी से जो है अपने नित्य कृत्य को संपन्न कीजिए, उसके बाद आप प्रसाद पाइए। द्वादशी दंड है कह अम्बरीश नृप, आइए सकल मुनि द्विज समुदायी जो, पाइए प्रसाद जामे व्रत मर्याद रहे, लीजिए सहर्ष पान दक्षिणा सुहाई जो। हो करो पारायण अंतरंग द्वादशी के, नहीं तो मेरी खंडित एकादशी जाई जो। आग्रह उचित जाने सबन स्वीकार कियो, भोजन करन चले उठ हर्षाई जो। प्रार्थना करी है कि आप प्रसाद प्रसाद जल्दी ही पा लीजिए, क्योंकि केवल दो दंड के लिए ही आज द्वादशी है। सभी के सभी जो दुर्वासा जी के संग आए थे या अन्य जो ब्राह्मण, वे राजी हो गए। ठीक कह रहे हैं अम्बरीश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुर्वासा जी को तो परीक्षा लेनी थी। तो दुर्वासा जी आग्रह डाल, किंतु दुर्वासा चले करन स्नान। हाँ, आग्रह डाल किंतु दुर्वासा चले करन स्नान। मत कर भक्तन को अपना
भगवान आग्रह को टाल दिया, नहीं नहीं पहले मैं स्नान करके आऊंगा, तत्पश्चात अपना नित्य कृत्य संपन्न करूंगा, उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। राजन सबके ऊपर मेरी हुकूमत नहीं चलेगी, मैं पहले अपने नित्य कृत्य को संपादित करूंगा, तत्पश्चात प्रसाद पाऊंगा। अब हाथ जोड़ लिया अम्बरीश जी ने, ठीक है भगवान जैसी आपकी इच्छा महाराज। और दिन तो आराम आराम से आते हैं, और दिन तो जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं, लेकिन आज तो महाराज क्योंकि अम्बरीश जी की परीक्षा लेनी थी, अम्बरीश जी को प्रतिष्ठित करना था महाराज, इस कारण से आराम से स्नान किया, जटाएं धोई है महाराज अपनी सारी की सारी, और ध्यान में देखा है अम्बरीश क्या कर रहे हैं। यहाँ अम्बरीश जी को चिंता हुई, क्या क्या चिंता हुई, खाए ते मर्याद भंग, खाए बिना व्रत भंग, भय नृप गति जैसे सांप छशुंदर की, अनुचित उचित विचारी में को बुद्धि, 100 भई कुंठित होई उच्च स्तर की, पंडित समाज मिल करण विचार लगे, हरि की कृपाते एक युक्ति ऐसी पर की, महाराज प्रभु पद जल पाए पारायण हो जाए, और आतिथ्य में ना आज आए ऋषिवर की। सारे के सारे अम्बरीश जी चिंता करने लग गए, क्या कहा कि कोई बात नहीं अम्बरीश जी, व्रत की मर्यादा भी रहेगी और व्रत खंडित भी नहीं होगा, आप प्रभु का चरणों तक ले लीजिए। चरणों तक ले लो, हाँ चरणों तक ले लीजिए, फिर दुर्वासा जी आएंगे, क्योंकि संत को आपने निमंत्रण दे दिया, आमंत्रित कर दिया, तो उनसे पहले आप प्रसाद नहीं पाइएगा, तो आप एक काम करिए कि आप चरणों तक ले लीजिए, भगवान का चरणों तक ले लीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो क्या किया, द्विज अनुमति से किया त्रिपति ने हरि चरणों तक पान, हाँ द्विज अनुमति से किया त्रिपति ने हरि चरणों तक पान, मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। अनुमति, संत की अनुमति से उन्होंने चरणों तक ले लिया, एकदम से आए, तमक करके आए हैं महाराज, जो क्या नाम दुर्वासा जी, तमक करके आए, अम्बरीश तूने क्या किया, पा लिया क्या प्रसाद, नहीं नहीं प्रभु प्रसाद नहीं पाए, तो क्या हुआ, भोजन न लीनो प्रभु चरणों तक लीनो, मैंने भोजन नहीं पाया भोजन, तो फिर चरणों तक पा लिया, चरणों तक पा लिया, कैसे पा लिया, मुझे आमंत्रित किया था तूने, मुझे प्रसाद पवाए बिना तूने चरणों तक लेने का कैसे अधिकार अपने आप को प्रतिष्ठित किया। महाराज गुस्सा हो गए, शठ तूने हठ करी निदर की जायो तूने, नास करूं तेरा काल कृत्या को बुलाए, के अभी बताता हूं तुझे, बड़ा भक्त फिरता भक्त बनता फिरता है, अभी बताता हूं तूने एक संत का अपमान किया है, तुरंत महाराज अभिमंत्रित किया है जल और काल कृत्या का आवाहन किया है। जैसे ही काल कृत्या का आवाहन किया है तो अपनी जटाओं को महाराज पटका है और काल कृत्या प्रकट हो गई है, काल कृत्या प्रकट हुई है, और अम्बरीश जी को महाराज खाने के लिए मारने के लिए तो काल कृत्या दौड़ी है अम्बरीश जी की तरफ, पर धन्य है भक्त, एक कदम भी अम्बरीश जी पीछे नहीं सर गए महाराज। क्यों, क्योंकि करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी, प्रभु पर विश्वास है, पर परम विश्वास है कि प्रभु मेरा अहित नहीं होने देंगे। कालकृत्या आ रही है महाराज, जैसे ही कालकृत्या आई अम्बरीश जी ने एक भी कदम पीछे नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, भगवान हरि महाराज, कई जगह लिखा है कि जो चक्र सुदर्शन अम्बरीश जी की सेना में सदा रहता था, अम्बरीश जी की रक्षा में सदा रहता था, और कई जगह ऐसे कि श्री भगवान को अतिशय महाराज श्री भगवान गंभीर हो गए और अपने भक्त को बचाने के लिए श्री भगवान ने चक्र फेंका है, और जैसे ही चक्र गया महाराज काल कृत्या को उसी समय भस्म कर दिया उस चक्र ने। राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला, सिया हरि नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। भगवान के नाम की ऐसी दिव्य महाराज काल कृत्या जो है वो तुरंत महाराज उसको उसका मर्दन किया है श्री भगवान के चक्र ने, और चक्र ने क्या किया, चक्र भाग पीछे पड़ा है श्री दुर्वासा जी के, दुर्वासा ऋषि सारे त्रिलोकी में महाराज भागते भागते फिरे हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास आए हैं, ब्रह्मा जी के पास भागते भागते आए, प्रभु मेरी
रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से बिल्कुल भाग जा यहां से, वरना मेरे ब्रह्मलोक की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। तुरंत शंकर जी के यहाँ कैलाश पे पहुंचे, प्रभु मैं आपका मैं आपका ही तो अंश हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महाराज भगवान शंकर ने कहा तुरंत यहां से निकल जा, वरना इस सुदर्शन के तेज से मेरे कैलाश की बर्फ पिघल जाएगी। तूने भक्त का अपमान किया, शरण में जा। जब महाराज ऐसा कहकर के भागे हैं अम्बरीश जी, अम्बरीश करके उसको अंगीकार बना है, उनकी शरण में जाओ। महाराज अम्बरीश वो दुर्वासा ऋषि पहुंचे अम्बरीश जी की शरण में, मुझे हे भक्तराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वरना ये सुदर्शन मुझे भस्म कर देगा। हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी ने कहा यदि मैंने केवल और केवल श्री भगवान के पादाम्बुजों की ही नित्य सेवा करी है, यदि मेरे हृदय में इन महात्मा के प्रति कोई द्वेष नहीं है, इन्होंने अहित भी करना चाहा पर फिर भी मेरे इनके प्रति यदि कोई द्वेष नहीं है, यदि समस्त विश्व में मैं केवल और केवल श्री भगवान का दर्शन करता हूँ, यदि श्री भगवान के सिवाय मेरी और कोई गति नहीं है, तो हे चक्र भगवान आपसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप शांत हो जाएंगे। बस इतना ही कहना था, चक्र शांत हुए हैं, चक्र शांत होकर के श्री भगवान के पास पहुंचे हैं। महाराज यहाँ पर महाराज क्षमा मांगी है श्री दुर्वासा जी ने, अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके पुनः संत झुक जाए ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं अम्बरीश जी, स्वयं पहले ही झुके, प्रभु मेरी ही गलती हो गई। नहीं तू तो श्रेष्ठ भक्त है अम्बरीश, तू तो श्रेष्ठ भक्त है। महाराज दोनों के दोनों प्रणिपात हो गए, और फिर उसके बाद अम्बरीश जी को बड़े सुंदर महाराज आसन पे बिठाया है दुर्वासा जी को अम्बरीश जी ने, और दिव्य प्रसाद मंगाया है। ये छोटा सा महाराज अम्बरीश जी का जो दिव्य चरित्र है, ये दास ने इसको छंदबद्ध करके गुरुदेव की ही कृपा से आपके सामने प्रस्तुत किया है। बलराम प्रभु, बलराम प्रभु जी अब थोड़ा बोलोगे, आ जाओ। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पादपद्म गोविंदों का अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के श्रेष्ठ चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता। तदुपरांत उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई सभी को चरणों में सर यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। अभी आप सभी जानते हैं कि इस समय श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल की परिक्रमा चल रही है, और शास्त्रों में भी ये विदित है कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धाम हैं, उनमें सबसे सर्वोच्च जो स्थान है वो श्री धाम वृंदावन का है। इसलिए और ये जो वृंदावन धाम है ये श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय कमल से प्रकट किया है। गुरुदेव ने एक बार नहीं अनेकों बार बताया है कि वृंदा अर्थात तुलसी और वन माने वन, अर्थात तुलसी का यह विशेष वन ही वृंदावन कहलाता है। और इसके विषय में एक प्रसंग भी आता है कि एक बार नारद जी जो कि सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, उनके पास आए और उनसे आके बोले कि जो राजा थे तीर्थराज प्रयागराज, उनको भगवान ने तीर्थराज बना दिया था, यानी तीर्थों का राजा बना दिया था, तो इसलिए जितने भी तीर्थ थे सब के सब उनको कर देने के लिए आया करते थे। तो एक दिन नारद जी उनके पास आए और उनसे आके बोले कि हे तीर्थराज, तुम्हें सभी के सभी तीर्थ कर देने के लिए आते हैं, क्या वृंदावन भी आता है? वो कहने नहीं, वृंदावन तो मुझे नहीं आता कोई कर देने के लिए। तो फिर तुम तीर्थराज कैसे हुए, तुम तीर्थों के राजा कैसे हो गए? तो उस समय प्रयागराज कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बात से उन्हें सुन के दुख हुआ और वो भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे बोले, प्रभु आपने मुझे तीर्थराज तो बना दिया, लेकिन मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। लेकिन ऐसा अन्याय क्या हुआ तुम्हारे साथ?
कहने लगे कि मुझे सबके सब कर देने के लिए आते हैं, लेकिन कभी आज तक वृंदावन मुझे कर देने के लिए नहीं आए। तो भगवान बोले कि देखो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने निज ग्रह का राजा नहीं बनाया, और वृंदावन मेरा अपना घर है, जहां मेरी प्रियतमा राधा रानी वहां नित्य विहार करती है, वो उनकी विहार स्थली है और मैं भी वहीं निवास करता हूं, तो इसलिए वो मेरा घर हुआ। तो जब मेरा घर हुआ तो मेरे घर के राजा तुम थोड़े ही बनोगे, तो मैं तुम्हें किस बात का कर दूं। तो इसलिए कहते हैं कि वृंदावन धाम जो है वो सर्वोपरि है, वो ये भी कह सकते हैं कि भगवान जहाँ नित्य विहार करते हैं, भगवान राधा कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ दिव्य से भी दिव्य लीलाएं करते हैं, उसे ही दिव्य धाम त्रिधाम वृंदावन कहा जाता है। उसी की ही आज परिक्रमा चल रही है। एक बार प्रेम से बोलिए, ब्रजमंडल धाम परिक्रमा महोत्सव की जय। आई होप दे हरी हरी हो। तो तुम 5 मिनट बोल दो, हाँ टाइम हो गया, ठीक है कल। हाँ कुछ 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 माताएं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही, क्या लेट हो जाता है? कल को ये आप लोगों को मुझे लगता है कि आज ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, कल को ये घर में जाने का ज़्यादा टाइम हो जाती है ना, इसलिए हम नहीं तो हम इसको सोचते हैं, नहीं तो समय को बदला दे प्रभु जी। कल को ये भी आने की देव जी, जी कल कुछ काम होगा घर में, नहीं तो सभी आते। हाँ मैं तो ऐसे ऐसे करते समय को थोड़ा, जैसे आप मथुरा में क्या होता था, जब कथा होती थी जैसे वहाँ शाम को कथा होती थी, और जैसे माताओं को जाकर घर में रोटी पानी बनाना पड़ता है, भूखे ना भजन हो गोपाल, भूख तो खाना तो चाहिए, इसलिए वहाँ क्या होता था शाम को कथा हो जाती थी, फिर भक्त लोग आरती दर्शन करके फिर घर में वापस चले जाते थे, आरती दर्शन करके ही घर में चले जाते थे, घर का काम काज कर लेते थे। इसलिए अगर आप लोगों का इच्छा हो फिर कथा को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कथा जैसे 5:30 से लेकर के 6:30 तक कथा कर देंगे, फिर 6:30 से जैसे आरती हो जाएगी, बस 7 बजे विश्राम, और 7 बजे घर घर में चले जाओ और अपना घर का काम, ये ऐसे ठीक रहेगा कि नहीं, मैं आपसे परामर्श कर रहा हूँ। ये समय सही है? हाँ खिला करके आते हो, ठीक है ठीक 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 है ठीक 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 है, यही सही हो। ऐसे माताओं को बोलना कि कम से 1 महीने तो कार्तिक महीना में आए सबके साथ, फिर तुम्हारे घर से सब कहाँ गए? हाँ घर से क्यों बोलना, मार जी याद कर रहे थे सब, सब बोल देना, सबके सब आ जाना, सबके सब बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। हाँ अभी गुरुदेव ने हरिबोल सभी ध्यान से सुने, अभी गुरुदेव